नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा दादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग में नवनियुक्त 3209 ट्यूबवेल ऑपरेटर को दिए नियुक्ति पत्र। मुजफ्फरनगर को मिले 36। जनपद मुजफ्फरनगर के एनआईसी विभाग में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर 3209 ट्यूबवेल ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 36 सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राजस्व व बाढ़ नियंत्रण मंत्री विजय कश्यप ने सौंपे। वहीं 4 महिलाओं को भी नियुक्ति ट्यूबवेल ऑपरेटर की मिली। उत्तर प्रदेश में पहली बार 516 महिलाओं को ट्यूबवेल ऑपरेटर की सरकारी नौकरी मिली है, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपा। जिला पंचायत सभागार कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा मंत्री विजय कश्यप व जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे का फूलों का बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंत्री विजय कश्यप, जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, सीडीओ आलोक यादव सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज ट्यूबवेल ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र बांटे गए, क्या है, कितने हैं महिलाएं? उत्तर प्रदेश सरकार में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग के 3209 पदों के लिए नियुक्ति वितरण किया गया है, जिसमें पहली बार इस डिपार्टमेंट में महिलाओं ने भी भागीदारी की और पूरे प्रदेश में 516 महिलाएं भी इसमें नियुक्त की गई हैं। पूर्ण पारदर्शी तरीके से और माननीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज ये भर्तियां जो हुई हैं उनके प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनते ये कहा था, हम पूरे प्रदेश में पूर्ण पारदर्शी तरीके से भर्तियां करेंगे, और वो आज चाहे वो शिक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग में भी लाखों नियुक्तियां हुई हैं और सिंचाई विभाग में भी लाखों नियुक्तियां हो चुकी हैं। पहले जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता और आज ये हमारे नलकूप ऑपरेटर की भर्ती हुई है। मुजफ्फरनगर में कितनी नियुक्ति हुई? 36 नियुक्ति मुजफ्फरनगर में हुई है, 4 महिलाएं हैं। पूरे मंडल में 81 नियुक्तियां की गई हैं, 32 सहारनपुर में और 13 नियुक्तियां शामली जिले में हुई। क्या नाम है आपका? अनु गुप्ता। अनु जी, आज ट्यूबवेल ऑपरेटर की नियुक्ति हुई, आपको भी प्रमाण पत्र मिला, क्या कहना चाहते हैं सरकार? गवर्नमेंट जॉब लग रही है तो अच्छा है मेरे लिए कि कोरोना काल में मुझे जॉब मिल रही है, जिसमें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसी में, जब सबको ही हुई है तो इसमें अगर जॉब लग रही है बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अब इससे मैं अब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। इससे पहले भी जॉब के लिए ट्राई किया किसी सरकारी जॉब? हाँ जी, बट उसमें मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा तो इसमें हो गया। हाँ जी, क्या कहना चाहती हूँ सरकार? जॉब लगी है तो अच्छा ही कहूँगी कि गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उससे मेरी जॉब लगी है, कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली मतलब करप्शन नहीं किया, जॉब देते वक्त एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है तो उससे सीधे जॉब लगी है, कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़े। मुख्यमंत्री गुड वर्क है। हाँ जी।